हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ आपका हूँ सुशील। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ पी एंड पोटी ट्रेनिंग ऑन योर डॉग। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंसेस से बताऊंगा कि आप जल्दी से पी एंड पोटी ट्रेनिंग कैसे करा सकते हैं आपको डॉग और पपी को। जल्दी से ये वीडियो देखना, पूरा देखना। और अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आ रहा है ऊपर, तो उसमें आप देख सकते हो कि पपी लाने के पहले आप किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो कि आप तैयार रहो पपी लाने के पहले। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो में, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप क्विकली कैसे क्या आपके पपी को ट्रेन कर सकते हैं। आपको पहले उन्हें ये सिखाना पड़ेगा कि हमें बाहर पी और पॉटी करना है, बाहर टॉयलेट करना है, घर में नहीं करना है। तो इसके लिए कुछ टाइमिंग्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उन टाइमिंग पे उनको आप बाहर लेके जाओ टॉयलेट और पॉटी के लिए, तो उन्हें समझ में आएगा कि हमें टॉयलेट पॉटी बाहर करना है। तो जैसे कि खाना खाने के बाद उन्हें बाहर लेके जाओ, तब वो टॉयलेट करते हैं। पानी पीने के बाद या कुछ पीने के बाद लेके जाओ, खेलने के बाद लेके जाओ, या वो सो के उठे तब लेके जाओ, सोने जा रहे हैं तब लेके जाओ। मतलब उस हिसाब से आपके घर में होने वाले एक्सीडेंट्स भी कम कर सकते हैं पी और पॉटी वाले। और तब वो बाहर पी और पोटी करेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि बाहर करना है पी और पोटी, घर में नहीं करना है। और जैसे ही वो बाहर टॉयलेट और पोटी करता है, उसे ट्रीट दो, उसको प्रेस करो। तो ट्रीट में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे उनके बोन्स आते हैं और उनके बिस्किट्स आते हैं, तो ऐसे कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो जो भी वो अच्छे से खाते हो। चिकन पीस भी यूज़ कर सकते हो आप, इनकेस आप नॉन वेजिटेरियन हो उनको चिकन भी दे रहे हो तो। तो इस हिसाब से आप उनको प्रेस करो बाहर कि टॉयलेट पोटी करने के बाद। अगर वो बाहर टॉयलेट पोटी नहीं करते तो उनको प्रेस नहीं करना है, घर में लेके आओ उनको और फिर से थोड़ी देर में लेके जाओ। जैसे वो बाहर जाके फिर से पोटी करे या टॉयलेट करे तब उनको ट्रीट देना है। तो इसके साथ ही आपको उस पर प्रॉपरली वॉच रखना पड़ेगा। जैसे ही आप कभी देखते हो कि वो घर में टॉयलेट कर रहा है, घर में शिशु कर रहा है, तो तुरंत उसको रोक दो। जैसे मैं शेरू को बोलता हूँ शेरू नो, तो शेरू रुक जाता है। ओके, उस हिसाब से उसको आदत डालो नो वर्ड की, तो उसे समझ में आएगा जब भी नो वर्ड आता है वो कुछ तो गलत करता होता है, तभी नो वर्ड बोलते हैं हम। तो उसे नो बोलो, जल्दी से उसे उठाओ, बाहर लेके जाओ, बाहर सुसु कराओ और बाहर ट्रीट दो। उसको ये समझ में आएगा कि जब भी हम बाहर टॉयलेट या पॉटी करते हैं तो हमें बाहर ट्रीट मिलती है, खाने को मिलता है, और जब भी घर में करते हैं तो हमें डांट मिलती है। तो वो इस हिसाब से बहुत कम कर देंगे अंदर टॉयलेट पॉटी करना और बाहर करना स्टार्ट कर देंगे। और पपी जब छोटा होता है, तो जैसे अभी समझ लो 3 मंथ्स का पपी लेके आए आप, तो 3 मंथ्स के पपी ज़्यादा से ज़्यादा 3.5-4 घंटे तक होल्ड कर सकते हैं अपना पी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जैसे आपका पपी 2 मंथ्स का है तो आप 2.5-3 घंटे में लेके जाओ उसे बाहर टॉयलेट करने के लिए। और अगर उसने कुछ खाया पिया है, सो के उठा है, तो वो रेगुलर लेके जाना है उसे उस एक्टिविटी के बाद में। पोटी ट्रेनिंग भी इजी है, उसमें कुछ इतना दिक्कत नहीं होता। जैसे हर टाइप के पपीज, हर टाइप के डॉग्स मोस्टली कैसा होता है कि खाना खाने के बाद ही पोटी करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही उनको खाना खिला दे हम, तो उसके 5-10 मिनट में उनको लेके जाओ बाहर, जहाँ पे आपको उससे पोटी करवानी है। वहाँ पे करा दो। जैसे ही वो पोटी करता है उसे ट्रीट दो, घर में लेके आओ। और खेलने का टाइम उसका अलग रखो और पॉटी का अलग रखो। ऐसे नहीं कि पॉटी या टॉयलेट कराने लेके जा रहे हैं, पॉटी टॉयलेट कर लिया और खेलने लग गया, तो उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि ये टाइम पॉटी करने का है या खेलने का है। और पपीज छोटे होते हैं, वो ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकते उनकी प्योर पॉटी। तो जैसे आपने रात में खाना दिया, तो रात में जब वो खाना खाने के बाद पॉटी करेगा तो वो दोपहर का खाया हुआ निकालेगा। रात का वो सुबह जाके निकालेगा, पर वो जैसे छोटे होते तो वो इतना देर तक कंट्रोल नहीं कर पाते उनकी पोटी। तो बहुत से पपी रात में ही पोटी कर देते हैं, रात में ही घर गंदा करते हैं। तो उसके लिए आपको अलार्म लगा के सोना पड़ेगा। आप ट्राई करो 2-3 बजे का अलार्म लगाओ, उठो, उनको पोटी कराओ, पोटी करने के बाद ट्रीट दो, फिर से घर में लाओ, तो एक साथ ही टॉयलेट पोटी कर लेगा, फिर आप सो सकते हो। तो इस हिसाब से आपको रात में भी इनका ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि रात में आप ये कहीं लेके नहीं जाओ इनको पॉटी के लिए, घर में गंदा कर दे और इनको आदत हो जाए। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कितना टाइम लगेगा आपके पपी को पी एंड पोटी ट्रेनिंग के लिए। तो हम बहुत से वीडियोस देखते हैं जहाँ वो क्रिएटर्स कहते हैं कि 100% रिजल्ट है, 2 वीक में सीख जाएगा, 1 वीक में सीख जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
आप फर्स्ट डे लेके आओगे, फर्स्ट वीक और थर्ड वीक में आपको डिफरेंस दिखेगा। जैसे फर्स्ट वीक में वो जितने एक्सीडेंट्स कर रहा था वो थर्ड वीक में आपको नहीं दिखेंगे। ओके, मतलब 70% कवर हो जाएगा, पर ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर देगा। उसको मिनिमम 1 से 1.5 महीना लगेगा प्रॉपरली पी एंड पोटी ट्रेनिंग के लिए। 1-1.5 महीने बाद वो सब करना बंद कर देगा, घर गंदा करना बंद कर देगा, सब बाहर ही करेगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।